तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग इस आउटलाइन को कलर करने वाले हैं और इसका आउटलाइन वाला वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हो। तो इस ड्राइंग को दोस्तों कलर करने के लिए मैं यूज करूंगा डॉम्स का वेल पेस्टल कलर, यहाँ पे देख सकते हो। और इस ड्राइंग में मैं सिर्फ व्हाइट और ब्लैक कलर का यूज करके बनाऊंगा जो कि पिक्चर पे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं देने वाला हूँ व्हाइट कलर, और व्हाइट कलर को मैं कौन से जगह पे दे रहा हूँ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और व्हाइट कलर को देने का एक ही मकसद है क्योंकि दोस्तों शेडिंग के टाइम पे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग देखो अच्छी तरीके से। अभी यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मैं यूज कर रहा हूँ ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर को दोस्तों जिस जगह पे डार्क पोर्शन है उस जगह पे यूज कर रहा हूँ। मतलब कि दोस्तों पिक्चर पे आप लोग देख ही सकते हो कौन से जगह पे डार्क शेड्स है, कौन से जगह पे लाइट शेड है। तो अभी दोस्तों मैं यूज करूंगा ईयरबड्स, और ईयरबड्स को दोस्तों मैं स्मूथ करने के लिए यूज करूंगा। और मैंने जो व्हाइट कलर का यूज किया था उसकी वजह से कलर जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से स्मूथ भी बन रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो मीडियम टोन को दे देने के बाद जो डार्क पोर्शंस है, मतलब कि जो बहुत ज्यादा डार्क पोर्शंस है, उसको देने के लिए भी मैं फिर से ब्लैक कलर का यूज कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है, ब्लैक और व्हाइट कलर का यूज करके बनाऊंगा पूरा ड्राइंग। अभी दोस्तों मैं यूज करने वाला हूँ कलर पेंसिल्स, यहाँ पे मेरे पास है स्टेडलर का कलर पेंसिल्स। आप लोगों के पास अगर स्टेडलर कलर पेंसिल नहीं है और कोई भी कलर पेंसिल्स अगर नहीं है तो आप लोग ग्राफाइट पेंसिल का भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो भाई 10B होना चाहिए क्योंकि 10B से आप लोग बहुत ज्यादा डार्क बना सकते हो ड्रॉइंग को। और इसके मदद से दोस्तों जो भी डिटेलिंग पार्ट्स है उसको मैं बनाऊंगा, क्योंकि दोस्तों ऑयल पेस्टल जो है बहुत ही ज्यादा मोटा होता है, तो इसकी मदद से दोस्तों हम लोग बहुत ही इजिली आंखों को बना सकते हैं। तो अभी दोस्तों मैं सेम तरीके से बालों को भी देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यूज करूंगा व्हाइट कलर, और उसके बाद जो शेड्स है वो मैं ब्लैक कलर का यूज करके दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ब्लैक कलर को मैं किस तरीके से दे रहा हूँ, और जो बालों का पोर्शन है वो व्हाइट कलर का है, आप लोगों को पता है। तो ब्लैक कलर जो है दोस्तों बहुत ही कम मात्रा में देना होगा, और उसके बाद पेंसिल का यूज करके हम लोग डिटेल भी कर देंगे। तो आप लोग दोस्तों अच्छी तरीके से देखो बालों का पार्ट में किस तरीके से बना रहा हूँ। এলো সময় রাজার মতো হলো কাজের হিসেব সারা থানাই কমে তুকে।
कपड़े के ऊपर दोस्तों देने वाला हूँ डार्क ब्लैक कलर, और बैकग्राउंड पे भी मैं ब्लैक कलर का ही यूज करूंगा। तो आप लोग देखो यहाँ पे और मेरे हैंड्स को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो, कपड़े के ऊपर मैं शेड्स को किस तरीके से देता हूँ वो भी ध्यान में रखना। तो यहाँ पे दोस्तों टूथपिक का भी मैं यूज कर रहा हूँ बियर्ड और बालों को देने के लिए। बाहर के साइड पे दोस्तों जो भी बियर्ड्स और बाल आ रहा है उसको देने के लिए मैं टूथपिक का यूज कर रहा हूँ, और इसी प्रोसेस का यूज करके ही दोस्तों आप लोगों को देना है। अभी दोस्तों मैं यूज करने वाला हूँ थोड़ा सा एक्रिलिक कलर जो भी बहुत ज्यादा हाइलाइटेड पोर्शन है उसको देने के लिए। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख ही सकते हो कौन से जगह पे मैं यूज करता हूँ। तो ड्राइंग दोस्तों हमारा हो चुका है खत्म। यहाँ पे मैं मेरा सिग्नेचर को भी दे देता हूँ और साइड में जो टैब भी लगाया था उसको भी खोल देता हूँ। तो वीडियो कैसा लगा वो कमेंट पे जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।